हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को 10 डेली वर्ड मीनिंग देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है WAIT, वेट। वेट का क्या मतलब होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है प्रतीक। अब हमारा अगला सवाल है HAT, हेट। हेट का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है घृणा करना। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन RED, रेड। तो रेड का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है लाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FAST, फास्ट। फास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है उपवास रखना। अब हमारा अगला सवाल है LIFACE, फेस। तो फेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है सामना करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SOLVE, सॉल्व। सॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है समाधान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है READ, रीड। रीड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पढ़ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RAIN, रेन। रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है वर्षा होना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPROVE, इम्प्रूव। इम्प्रूव को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है सुधारना। अब हमारा अगला सवाल है BEAT, बीट। बीट का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पीटना। बीट मतलब पीटना। तो ये थे आज का हमारे 10 वर्ड मीनिंग और उनके हिंदी। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।